वेरी गुड क्वेश्चन. हमेशा पहले डायग्राम ऐसे क्वेश्चन आए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क करो. अब क्या कह रहा है वो, इन क्वेश्चंस को हमेशा आई जे वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना. वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है 80 मीटर ईस्ट जाता है. ठीक है भैया जाने दो. 80 आई कैप ओ ए, यहाँ से वो राइट हैंड की तरफ टर्न लेता है कितने एंगल से, 143 से. तो ये कितना हो गया, 37 डिग्री. अब उसने पूछा है कि अब इसकी पोजीशन बताइए, पोजीशन अलोंग विद द डायरेक्शन बताइए कितनी है. ये पूछ लिए उसने, है ना, अलोंग विद द डायरेक्शन. देखो ऑप्शन ऐसे ही दिख रहे हैं हमको. पहले तो ना हम कंपोनेंट्स करते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है 50. तो 50 साइन 37 डिग्री लिख सकते हैं इसको, जो कि कितना हो जाएगा, 3/5 30 जे कैप माइनस का एक कंपोनेंट इसी का इधर आएगा. कितना हो जाएगा वो, 50 कॉस 37 आई कैप, जो कि हो जाएगा माइनस 40 आई कैप. अब अपन वेक्टर लिखते हैं, टोटल नेट वेक्टर सब कुछ आई जे लिख लेते हैं. 80i माइनस 40i, देखो 80i लिखा, 40i लिखा और ये लिखा, माइनस 30j. ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ना, जो ये आर वेक्टर देगा हमको, ये वाला आर वेक्टर है ना. ये कितना आ रहा है, 40i माइनस 30j आर वेक्टर. अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में तो मैग्नीट्यूड दिए, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो. ऑब्वियस सी बात है ये आ रहा है 50 मीटर. सर दो ऑप्शन है, 1 और 2, क्या इन दोनों में से आंसर होगा. लेकिन सर डायरेक्शन भी दी हुई है. अब डायरेक्शन निकालते हैं, रेड वाली जो भी होगी ये डायरेक्शन बेटा यहाँ ऐसी दिख रही है ना एकदम, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ना, थोड़ा एंगल ऊपर नीचे है. और रेड वाले की वैल्यू क्या आई है, 40 आई कैप और 30 जे कैप माइनस में. तो ये एंगल कितना होगा, सर ये तो आप 10 अल्फा से निकाल लो ना. 10 अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये कितना हो गया, 3/4, मतलब सर ये तो हो गया 37 डिग्री. तो ये कितना हो गया बेटा, 53 डिग्री ना. अब आंसर उसने दोनों 53 में दिए हुए हैं, तो मतलब 53 में ही हमें भी रिपोर्ट करना है. तो हम क्या बोलेंगे, 50 मीटर 53 डिग्री. अब ये होना तो किधर चाहिए था, सर ये होना चाहिए था ईस्ट में, लेकिन कितना मुड़ गया है 53 डिग्री. होना चाहिए था साउथ में, लेकिन कितना मुड़ गया है, 53 डिग्री मुड़ गया है ईस्ट की तरफ. तो आंसर क्या बोलेंगे हम, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 53 डिग्री ईस्ट की तरफ मुड़ गया है. दिस इज द आंसर, 1 होगा इसका आंसर.